भी रुकवाया। इस तरह से एक लंबी सूची है उन कार्यों का कि जो राहुल जी ने शुरू कराए और इन्होंने 5 सालों में बंद करा दिए। अब सबसे पहले तो ये कार्य बंद कराते हैं बड़े बड़े, तो राहुल जी जितने कार्य अपनी सांसद निधि से कर सकते हैं करते हैं। उसका मतलब है जो ग्रामीण सड़क है, जो नलका है, जो सोलर लाइट है, जो पाठशालाओं में कमरे बनाने हैं, वो जो छोटे काम है वो पूरी तरह से उन्होंने किए। अब इन्होंने क्या किया, अपने उम्मीदवार को भेजा यहाँ, मात्र 16 बार आई। आपने कहा उनके बारे में बात ही ना करो, लेकिन थोड़ी बहुत कर ही लेती है, चुनाव है। बताने वाली हूँ, अब मैं बताती हूँ उसके बारे में।
आपको कहा था 15 लाख रुपए, किसानों को कहा था कि जब मोदी की सरकार आएगी किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब सुन लो कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ, जहां जहां मैं जाती हूँ मुझे क्या पता चलता है, किसान को उपज का दाम नहीं मिलता, बताइए, और आपको बीज और खाद समय पे मिलता है कि नहीं, कर्ज में डूब रहा है एक किसान, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और क्या होता है आपसे बीमा ली जाती है कि नहीं, बीमा दे रहे हो ना हर महीने, किसकी जेब में जा रहा है जानते हो? बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में 10,000 करोड़ रुपए आपकी बीमा से गए हैं, और एक किसान दिखा हो मुझे जिसको बीमा के पैसे तब मिले हो जब उसको नुकसान हो रहा है। आप बताइए कि आवारा पशुओं से क्या समस्याएं हैं, बताइए क्या हो रहा है यहाँ, रात को खेत में कौन चौकीदारी करता है, भाजपा के मंत्री आते हैं आपके खेत में बैठने के लिए, आते हैं चौकीदारी करते हैं आपकी, आप खुद करते हो, आपकी आज ये स्थिति बना दी है कि छुट्टा जानवर आपके खेत पूरी रात पूरे दिन खा रहा है। मैं महिलाओं से मिलती हूँ, 47 डिग्री की धूप में पूरे दिन कल बैठी थी रायबरेली में, पूरे दिन खेत में बैठी थी, रात को उनके पति जाके बैठ रहे थे, किस लिए? 5 सालों से आपको प्रताड़ित किया, और 5 साल बाद, क्योंकि आपके बीच में तो आए नहीं वो प्रधानमंत्री जी, अपने क्षेत्र में गांव में नहीं गए, किसान से हाल चाल नहीं पूछे, अमेरिका पहुंच गए, रूस पहुंच गए, जापान में ढोल बजाए, पाकिस्तान में बिरयानी खाई, लेकिन वाराणसी के एक गांव में नहीं गए, एक गांव में, और ठीक है उनको नहीं जाना था।